अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी, शाहरुख की वीडियो जो डिलीट हो गई है, जो उसके मेन मेन पॉइंट थे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी भी और इसके ऊपर बात भी करेंगे। शाहरुख ने शुरू में तो यही बोला कि जो कुछ भी हमारे साथ में हुआ वो पैसों की जोर पर हुआ, गुंडागर्दी के हिसाब से हुआ, अपनी पावर की जोर पर हुआ। और मैं इतने दिन तक के इसके लिए चुप था। मैं बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन कुछ रिश्तेदार थे, कुछ रिश्ते थे जिन्होंने मुझे चुप करवा के रखा था। तो अगर अब वो लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे अच्छे से रिश्ता रखे हुए हैं, तो फिर मैं उनका मान क्यों रखूं? उन लोगों ने मेरा मान नहीं रखा तो मैं उनका मान क्यों रखूं? तो ये शाहरुख ने बोला है। जाहिर सी बात है के जो इसकी अम्मा है नैना की, और जो भी रिश्तेदार है, अगर वो लोगों के साथ में पिटारा का सब कुछ ठीक हो गया है, और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जिस तरह से शाहरुख ने अचानक वीडियो बनाया है, क्योंकि कुछ भी नहीं था YT पे, ऐसा कोई रीज़न नहीं था वीडियो बनाने का। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के ऊपर वो गटर का ढक्कन एक औरत है जो भोंकती है, उसके वजह से ये वीडियो बनाया होगा। नहीं, हुआ ये है के इसके साथ में और नैना के साथ में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके चलते है ना पिटारा से लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर दिए थे। जैसे कि नैना का बाप हो गया, नैना की माँ हो गई, नैना का भाई भी मेरे ख्याल से जो डीडी है उसने भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि उनके रिश्ते सही हो गए हैं, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि पिटारा को अब अपने रिश्तेदार चाहिए, इसीलिए उसने सपोर्टरों को भी डिसऑन किए, क्योंकि वो दो जने एक साथ नहीं रख सकती थी। या तो वो रिश्तेदार रख सकती है या तो फिर वो सपोर्टर रख सकती है। तो उसने सपोर्टरों को लात मारी और रिश्तेदारों से अब वो बात शुरू कर दी है। इसकी बातों से ही साफ नज़र आ रहा था। अच्छा, ये पूरी वीडियो का ना छोटा छोटा पार्ट करके चाहिए तो मैं डालूँगी, जहाँ पर मैं क्लिपें डालती हूँ वहाँ पर जो बात मैं अभी बताई हूँ ना, उसका क्लिप मैं वहाँ पे डाल दूँगी। बाकी बहुत सारी जो मेन मेन बातें हैं वो मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी। तो ये यहाँ पे जो जिस तरह से ये भड़क के वीडियो बनाया है, जो इसको तकलीफ़ हुई है ना, मतलब इसको गुस्सा आया हुआ है कि वो टाइम पे लोगों के साथ में जो कुछ भी हुआ था ना, तो वो टाइम पे उन लोगों ने पिटारा से रिश्ता ख़त्म कर दिए थे। लेकिन अब जैसे कि मैंने बताई कि रिश्तेदारों को चुनना और सपोर्टरों को थूकने वाला जो उसने काम किए, इसके चलते है ना उसने अपने रिश्तेदारों से, मतलब कि जो लोग भी इसको चुप करवा के रखे है ना, उन लोगों ने पिटारा से बातचीत चालू कर दिए है, जिसके वजह से शाहरुख भड़क के ये वीडियो बनाया है। तो भाई जो भी है, मेरे ख्याल से तो नैना की माँ बाप और भाई हो सकते हैं, तो फिर लानत है तुम लोगों के ऊपर कि तुम्हारे दामाद के साथ में उसने इतना गुंडागर्दी की, इतनी गिरी हुई हरकतें की। हाँ, वो प्रेग्नेंट थी और उसको टॉर्चर किया जा रहा था नैना को, और तुम लोगों ने फिर से वही पिटारा से बात कर लिए। तुम लोगों को मैं बोलती हूँ ना, डूब के मर जाना चाहिए। थूक के चाटने वाले भी है ना, मैं बोलती हूँ अच्छे होते होंगे, तुम लोग उससे भी ज़्यादा गिरे हुए लोग हैं। जबकि शाहरुख ने जो वीडियो बनाया था ना माफ़ी वाली और ये वाली कि हमें कोई चीज़ें पता नहीं थी, हमने बस सलमा की बातों में आके हमने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था, याद होगी आपको, आप लोगों को वो वीडियो याद होगी। तो वो वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि शाहरुख की सहमति नहीं है, लेकिन वो घर वालों की दबाव में आके वीडियो बना रहा है। अब वो दबाव में क्यों आया होगा कि तुम लोग ये वीडियो बना दो और हम लोग उससे रिश्ता नहीं रखेंगे, यही बात हुई होगी ना। और आज इसको अगर गुस्सा आया था और इसने इस तरह की वीडियो बनाया था, तो इसके गुस्से का रीज़न यही है कि वही रिश्तेदार उससे मिल गए पिटारा से। बाकी हाँ, ये भी बता दूं कि वीडियो इसने बाद में प्राइवेट कर दिया। जाहिर सी बात है कि पिटारा गुंडी है, मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ, वो गुंडी है। वो लोगों को मतलब दुनिया से निकलवा देना, वैसे तो खाली वो नहीं है, पूरा ख़ानदान ही वैसा है। डीडी को देख लो, छमिया से शादी करने के लिए उसके हस्बैंड को ऊपर पहुंचाया है ना। तो इन लोग किसी को भी ऊपर पहुंचाने के लिए देर नहीं लगाते, बस पैसे की ज़रूरत होती है, और पिटारा के पास में इतने पैसे हैं कि वो आराम से ये सब कर लेंगे। पैसे खिला के जितने भी वो गेम कर रही है,
तो ये सारे गुस्से तो फिर जाहिर सी बात है ना कि यही साबित होता है कि वो गुंडी है, और वो इतना ज़्यादा गुंडापना करती है कि वीडियो तो फिर प्राइवेट होना बनता है ना। तो आगे सुनिए आप लोग के शाहरुख क्या बोल रहे हैं। तो आज की वीडियो हम कल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट भाई ये जो है कि मुझे जब बुलवाया गया वहाँ पर और जो उसके बाद मैंने वीडियोस बनाई नैना ने और मैंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सबको बता दूँ कि वो जो वीडियोस हमसे बनवाई गई, मुझसे बनवाई गई, एक वो ब्लैकमेलिंग के थ्रू बनवाई गई, दबाव देकर बनवाई गई, और इस तरीके से वो बनवाई गई थी। ठीक है, तो ये बात तो इसके शाहरुख के फेस के हाव भाव से ही पता चल रहा था कि वो दबाव दे के वीडियो बनवाई गई थी, और लोगों को लग रहा था कि किस चीज़ का दबाव दिए होंगे। तो अब आगे सुनो आप लोग के मतलब इन लोग कितने बड़े गुंडे हैं, मतलब इन लोग किसी की जान भी ले सकते हैं, जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगी। और मैं उन सब के लिए ना दिल से बद्दुआ है जो लोग पिटारा को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फिर वो सब्सक्राइबर हो, चाहे फिर वो उसके सपोर्टर हो, चाहे कोई भी हो, उनके लिए दिल से बद्दुआ है। जो आगे शाहरुख ने बोला है ना, आप लोगों के भी दिल से बद्दुआ निकलेंगी सितारा को सपोर्ट करने वालों के लिए। लख दी लानत है तुम लोगों के ऊपर। और जो मुझे वहाँ पर बुलवाया जा रहा था, ठीक है, तो नैना की अम्मी जो है उन्होंने कॉल की, सही है कि इसको आप लोग वहाँ पर नहीं बुलवाओ, कि ये सही नहीं है, नैना प्रेग्नेंट है, या ये चीज़ें आप लोग नहीं करो। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर बोली जा रही थी। तो आगे से रिप्लाई क्या आ रहे थे, रिप्लाई ये आ रहे थे कि वो इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस ये वहाँ जाएगा, सही है, वहाँ पर बस ये कुछ इससे लिखवाएंगे, ठीक है, और बस इसको वापस भेज देंगे। ठीक है, तो ये बातें बार बार की जा रही थी। ठीक है, तो उसके बाद जो है नैना को पर्सनल एक मैसेजेस आए, मैं भी उस टाइम साथ बैठा हुआ था, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आए, और वो मैसेजेस किसी और के नहीं थे, ये इसी ड्रामा क्वीन के थे जो अपने 1 मिलियन करवाने के चक्कर में लोगों को पैसा खिलाकर और चीज़ें करके और लोगों को बुलवा खिलवा रही है, और लोगों को मतलब झूठी स्टेटमेंट देने पर मजबूर कर रही थी। ठीक है, तो ये उसी का सारा था, उसी ने मैसेजेस किए नैना को कि अगर शाहरुख ने वहाँ पर आकर सच बोला, ये उससे एक दिन की बात है जब मैं जाने वाला था, शाहरुख ने अगर वहाँ पर आकर सच बोला तो तुम लोगों के साथ सही नहीं होगा। ठीक है, ये एक बात उसने बोली थी। मतलब के शाहरुख वहाँ पे जाने के लिए राजी नहीं था, तो इन लोगों को बोला गया कि तुम चले जाओ, तुमसे सिर्फ कुछ चीज़ें लिखवाएंगे और फिर तुम हंसी खुशी वापस आ जाना, ये बोला गया। और जब शाहरुख ने जाने के लिए हाँ बोला, तो उसके एक दिन पहले पिटारा इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल रही है कि अगर तुमने वहाँ पे जाके सच बोला तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। मीन्स के आप लोग समझ रहे हो कि शाहरुख को रास्ते से हटा दिया जाता, उसकी जान ले ली जाती। अब देखो कि क्या ये गुंडागर्दी नहीं है, ये क्या चल रहा है, मतलब कि तू इतनी गुंडी है कि तू मैसेज करके उसको इंस्टा पे बोल रही है कि उसको बोलना सच मत बताना, और सच क्या नहीं बताना, कौन सा सच नहीं बताना, कि तू जीजा के साथ में रंगरलियाँ मना के आई है, ये सच मत बताना। तो हो गया एक बार और साबित कि पिटारा ने जेड की है, सलमा सच्ची है। ठीक है, तो जो लोग बैठ के सलमा को बद्दुआएं देते हैं, बोलते हैं ना वो मदीने वाली ने बहुतान लगाया है, इंशाल्लाह जिस दिन आखिरत में जब सब जमा होगे ना, तो सलमा तुम लोगों का भी गिरेबान पकड़ेंगी, फिर तुम लोग जवाब देना। दुनिया में तो बड़े तुम लोगों को फंड मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं ना, तो मज़ा कर रहे हो, जब मरोगे ना तब तुम्हारी आखिरत क्या होएंगी ना, वो सोच के रखो। और ये ऐसी गुंडी को सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग, ऐसी गंदी औरत को जो दूसरों को धमकियां देती है कि सच मत बताना। आ गई अब समझ में कि पूरा खानदान क्यों चुप है, क्यों इसके साथ में खड़े होता है, क्यों इसका सपोर्ट करता है, क्यों सच्चाई का सपोर्ट नहीं किया गया? क्योंकि ये गुंडी औरत है, ये लोगों को धमकियां देती है मरवा देने की। जी अब आगे सुनिए। तो उसके बाद जो है भाई मैं चला गया, मैं गया था, फिर जब मैं गया रमज़ान के साथ गया था मैं, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो एक चीज़ होती है ना कि एक एतबार होता है एक एतबार होता है कि आगे से आपसे सही से बात की जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ऐसा जैसे ना एक क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल होता है, खून किया होता है बंदे ने,
इस तरह से मुझे वहाँ पर ट्रीट किया गया, ठीक है, इस तरह से मुझे वहाँ पर ट्रीट किया गया। मुझे बोलते हैं कि तूने पता नहीं चूतिया, इस तरीके से बोलते हैं मुझे कि बात कर, सही तरीके से जवाब दे, आगे से ये कर वो कर। मुझे 3 घंटे तक वहाँ पर टॉर्चर किया गया, ठीक है, 3 घंटे तक मुझसे बातें की गई, मुझसे ये बातें कि ये जो है ना वो चीज़ बोले जो हम बुलवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने वो नहीं बोला, ठीक है। फिर मुझे और भी बहुत सी चीज़ें बोली गई, और मुझे बोला गया कि तुमसे हम अब थोड़ी देर, तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, सोच लो, सही है, अगर तुमने 10 मिनट के टाइम में भी नहीं कुछ बोला तो जो हम कहलवाना चाह रहे हैं, जो हम लिखवाना चाह रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट को जो है ना चेंज कर दो, ठीक है, उसको आप झूठ में तब्दील कर दो। तो ये अगर आपने नहीं बोला तो जो है ना आपको फिर हम मारेंगे, वो सामने डंडे पड़े आपको मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ आपको ये करेंगे। और वो जो एक औरत है जिसको ये लोग केस भी बुलाते हैं, ठीक है, दुनिया के सामने बहुत अच्छी बनी हुई है, तो वो भी आई हुई थी वहाँ पर, सही है, वो भी आई हुई थी। तो मैं बोला कि भाई ये इससे इनसे ना नैना का जो चैनल है वो लो तुम लोग, ठीक है, नैना का चैनल लो और इसका भी चैनल लो। मैंने बोला कि नैना का चैनल जो है उस पर हमने बहुत मेहनत की है 2 साल से, वो चैनल हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये जो कह रहे थे कि PTA के थ्रू हम लोग बंद करवाएंगे, ये करेंगे, कोई छुआ नहीं था, तो वहीं पर बैठ कर ये लोग ले रहे थे चैनल। तो बस यही बात थी। और जो था मैंने मतलब जो है ना फिर सुनो, इनका मतलब ये प्लान था कि ये मुझे पूरी रात वहाँ पर रोक कर मुझे मारने वाले थे, ठीक है, पूरी रात मुझे रोक कर मारने वाले थे ये लोग। फिर जो था कि मैंने जो क्या किया, मैं किसी तरीके से अपना दिमाग मैंने चलाया, मैं वहाँ से किसी तरीके से अपने आप मैं वहाँ से निकला, ठीक है, पीछे से कॉल्स आती रहीं, सब आता रहा, मैं लेकिन निकल गया किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो मैं वहाँ से निकल गया, मैं पहुँच गया, रास्ते में कहीं मैं था, तो नैना ने घबरा कर कॉल कर दी इनको। तो ये जो जिनके मतलब हैं ये 1 मिलियन ये मिस ड्रामा, ठीक है, मिस ड्रामा जो है जिसको जब कुछ नहीं सोचता फिर रोने की एक्टिंग करती है बैठ कर, तो इसने बोला वीडियो बना दो कि जो चीज़ शाहरुख ने बोली थी, जो चीज़ तुमने बोली थी वो सब झूठ थी, ठीक है, तुम बोल दो, तुम दोनों ये चीज़ बोल दो, ठीक है। तो उस टाइम जो है फिर नैना जो थी घबरा गई थी कि मुझे रास्ते में मेरे साथ कुछ करना लें, तो इस वजह से हमने वो बनानी पड़ी, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी कब से मेरे दिल में थी जो मैं कहना चाह रहा था। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके के घटिया लोग हैं, किस तरीके की ये घटिया है 1 मिलियन जो बनी हुई है, मिस 1 मिलियन, किस तरह की ये ड्रामा क्वीन है, तो किस तरीके के लोगों को ये लोग पागल बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको अब समझ आ चुकी होगी, ठीक है, ठीक है। तो जी सुन लिया आप लोगों ने, मतलब के वहाँ के जो कानून है, वहाँ का इदारा है वो बिकाऊ है। अब ये मैं तो नहीं बोल रही हूँ, ये दिख रहा है कि वहाँ का कानून, वहाँ के इदारे वाले बिकाऊ है। और जो वॉइसें लीक हुई है उसके अंदर जिस तरह से पैसे वगैरह की बातें हो रही है, जिस तरह से उसके अंदर इदारों को गालियां दी जा रही है, और जो ये फंडिंग का जो भी चला है कि इसने इतने हज़ार दिया, उसने उतने हज़ार दिया, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप लोग ध्यान में रखते हुए देखो तो कोई केस वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे दे के इदारों को ख़रीदा गया था, कानून को ख़रीदा गया था, सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए कि जो जो लोगों ने बयान दिए थे, जो जो लोगों को सच पता है, उनसे लोग लिखवा के ले सके कि ये जेड नहीं है, ये जेड औरत नहीं है। वाह भाई वाह, मतलब कि इतनी धमकियां, इतना डराना पिटारा, अगर तू सच्ची थी तो तुम फ़ोन कर करके क्यों बोल रही थी ऐसी वीडियो बनाओ, सच मत बताना, ये करो वो करो, सच्चे थे ना तुम लोग तो अल्लाह पे छोड़ते ना। देख लो सलमा ने अल्लाह पे छोड़ी, चुप है, एकदम खामोश है, और अल्लाह दिन ब दिन उसकी सच्चाई साबित कर रहा है। और कितनी गिरी हुई औरत है ये पिटारा, इसीलिए मेरा पहले दिन से जमीर गवारा नहीं दिया, मेरे ईमान ने कभी मुझे गवारा नहीं किया कि ये औरत के लिए मैं एक लफ्ज़ भी अच्छा बोलूं। इसीलिए ये औरत है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ना इससे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती है, हमेशा मेरे को इससे ना गंदी किस्म की वाइब्स आती है। और दूसरा ये गुंडी है, ये मुझे पता है भाई, मुझे पर्सनली भी बहुत सारी चीज़ें पता है कि ये औरत है ना अपना काम निकालने के लिए कितना गिरती है, कैसी कैसी हरकतें करती है और कैसे कैसे काम निकालती है। शर्म आती है इसको, आ जाती है, माँ यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप,
देख लो इसका असल चेहरा क्या है और वाइटी पे ये अपना चेहरा क्या दिखाती है। ऐसे आवाज़ निकालती है, ऐसे बेबी फेस बना के बेबी वॉइस निकालती है, जैसे कितनी अच्छी है, कितनी भोली और सीधी है। और वो जो इसकी बहन बनी हुई है ना, बोलती है उसको तो अक्ल ही नहीं है ना, वो बहुत भोली है। अच्छा तुम लोग दोनों मिल के यहाँ पे ऑडियंस को उल्लू बना रहे हो, दोनों मिल के दुनिया को उल्लू बना रहे हो। हाँ पैसे लगा लगा के तुम लोग चाहते हो कि वो जेड का जो लोगो लग गया है ना इसके ऊपर वो हट जाए, तो वो तो कभी ज़िंदगी में नहीं हटेगा। जब तलक के असगर भाई कसम खा के नहीं बोलेंगे मस्जिद नबी में कि उन्होंने नहीं किया है, हम नहीं मानेंगे, ना तो शाहरुख से, ना नैना से, ना पिटारा से और ना ही सलमा से, हम किसी से नहीं मानेंगे। क्योंकि ये सच्चाई क्या है ना, मुझे पता है कि ये है, इसने ये काम की है। और जो लोग भी ये गुंडागर्दी करके ये सारा कुछ कर रहे थे ना, इंशाल्लाह भुगतेंगे तुम लोग, अपनी आस औलाद में भुगतेंगे। देख लेना, दुनिया में तो भुगतोगे ही, आखिरत में भी सलमा तुम लोगों का कॉलर पकड़ेंगी इंशाल्लाह। बाकी शाहरुख और नैना के लिए एक मैसेज है कि तुम लोग आओ, सच बोलो, कोई केस कुछ नहीं है। और रही बात के, हाँ देखो मैं ये भी समझ सकती हूँ कि लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं वहाँ पे, मतलब कि जिस तरह से दरवाजे में से ही अगर कोई हाथ में से कुछ छीन के लेके चला जा रहा है। और वाईटी पे बहुत सारे मतलब बातें सुनी हूँ मैंने कि ये जो गुंडागर्दी है, जैसे किसी को ख़त्म करवा देना, ये सारा कुछ पैसा दे के करवा सकते हैं, वहाँ पे ये सारा कुछ हो जाता है। मुझे नहीं पता, वाईटी पे ही सुनी हूँ मैंने। तो फिर इंसान को अपनी जान, अपनी फैमिली तो प्यारी होगी ना। अब सोचो कि पिटारा कोई गुंडा हायर कर ले पैसा दे के, तो क्या शाहरुख घर में से अकेले नहीं निकलता होगा? क्या नैना नहीं निकलती होगी? इसका क्या भरोसा है भाई कि ये कभी भी उसको मरवा दे ना गुंडे हायर करके, जैसे ये वाईटी पे ये तो कर रही है ना, लेकिन ये रियल लाइफ में भी तो कर सकती है ना, कि उसको कुछ हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इन लोग तो इसके लिए वो टाइम पे नहीं मरवाए क्योंकि इन लोगों को वीडियो चाहिए थी, इन लोगों को शाहरुख का और नैना का वो स्टेटमेंट चाहिए था कि नहीं नहीं इन लोगों ने कुछ नहीं किए है ना, तो मतलब पिटारा ने कुछ नहीं किए, तो ये सारा कुछ इन लोग चाहते थे ताकि वाईटी पे उसको क्लियर कर सके, लेकिन वो कभी नहीं हो सकता। बस यही है कि बस इसका आप लोग देखोगे कि वाईटी पे किस तरह से ना ये पूरी तरह से गिरेंगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ने जितना दिया है ना, एक एक पाई अल्लाह इससे वापस ले ले। ये भीख मांगने के जैसी मोहताज हो जाए, ये खाने की मोहताज हो जाए। जितने लोगों की इसने हाय बद्दुआएं ली है ना, इंशाल्लाह इसका हाल है ना पूरी दुनिया देखेंगी। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।